कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन ग्राउंड रिपोर्ट चेक करने के लिए सड़कों पर उतर आया है। इसी कड़ी में शाम के समय बिलासपुर शहर के गुरुद्वारा मार्केट में डीएसपी हेडक्वार्टर संजय शर्मा व एसडीएम रामेश्वर शर्मा ने औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पूरे मार्केट का पैदल मार्च करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित फेस मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही अगर कोई नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मौके पर कार्रवाई भी अमल में लाई। इस दौरान बिलासपुर शहर के गुरुद्वारा मार्केट के समीप एक दुकानदार बिना मास्क के सामान बेच रहा था, जिसके चलते मौके पर ही पुलिस ने उक्त दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका 1,000 रुपए का चालान भी किया है। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि बिलासपुर पुलिस सहित जिला प्रशासन का प्रतिदिन ये अभियान शुरू हो गया है। सुबह और शाम कभी भी प्रशासन की टीम मार्केट में आ सकती है, साथ ही लोगों सहित दुकानदारों का औचक निरीक्षण करेगी। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला में अभी तक पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अधिक चालान किए हुए हैं। अभी तक जिला पुलिस ने 3 लाख रुपए तक का चालान वसूला है। मेन जो बाजार है गुरुद्वारा चौक के साथ, वहाँ ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ बहुत नज़दीक जो दुकानें हैं, तो हमने इसी सोशल डिस्टेंसिंग और जो विदाउट मास्क को वायलेशन है उसको चेक हमने किया है। तो बाई एंड लार्ज तो अभी यहाँ हमने जो नोट किया फॉलो हो रहा है, और विदाउट मास्क भी अभी एक चलान भी हमने किया है अभी अभी, तो हमारा अभियान ये आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि ऐसा है कि जब तक जो है वो 100% जो है वो मास्क की जो है वो कंप्लायंस नहीं हो जाती है, सभी आदमी नहीं पहनते हैं, तब तक जो है वो हमारा अभियान आगे भी चलता रहेगा। जैसे हमने जो है वो 1,000 से भी ज़्यादा चालान जो है वो करीब 3 लाख के करीब जो है वो हमने जुर्माना अभी तक कोरोना काल से वसूल किया है। ये अभियान आगे भी और तेज रहेगा हमारा, और हम इंश्योर करेंगे कि 100% जो है कंप्लायंस जो है वो हमारे यहाँ जो है वो इसकी हो, ताकि कोविड महामारी से जो है वो बचा जा सके। उधर बिलासपुर एसडीएम रामेश्वर शर्मा ने बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा बचाव 60 वर्ष की उम्र के बुजुर्गों का करना है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में बुजुर्गों का बचाव करें और उन्हें भीड़ के इलाके में जाने से रोकें। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों पर अधिक भीड़ थी उन दुकानों के दुकानदारों को भी हिदायत देकर छोड़ा गया है। और अपने परिवार को, अपने लोगों को, सबको बचा के रखें कोविड-19 से जी। इसके अलावा बाजारों में ये देखा जा रहा है कि 65 ईयर से अबव लोग हैं वो कब कुछ देखे जा रहे हैं, उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप घरों में रहें और बाकी